तो भैया एग्जाम का मौसम आ चुका है और हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि या तो हम शो ऑफ करते रहे कि हमने इतना पढ़ लिया, हम इतनी कोचिंग गए, हमने इतनी शीट कर ली, या फिर सच्चाई के धरातल पर आकर सेल्फ एनालाइजेशन करें कि क्या सच में हमने 100% मार्क्स की तैयारी कर ली है, या फिर हम कुछ एक फेक सी इमेज बनाकर अपने घर वालों को और दोस्तों को झूठा दिलासा दे रहे हैं। ये रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो 100 नंबर की तरफ जाता है। तो दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या 5 वर्स्ट मिस्टेक्स हैं जो कि एक स्टूडेंट करता है बोर्ड एग्जाम देने से पहले, जिसके कारण उसके मार्क्स नहीं आ पाते। सबसे पहली मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतने ज्यादा मार्क्स, ऐसा बच्चा सोचता है। ये एक मिथ है, रॉन्ग स्टेटमेंट। मैथ्स में कई टीचर्स, कई दोस्त आपको बोलेंगे कि इस चैप्टर से 150 सवाल कर लो, इस चैप्टर से 250 सवाल कर लो, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो क्वेश्चन गलत ट्रैक पर चले गए और आपका अगर टेम्परमेंट उतने क्वेश्चन से मैच नहीं खाता, तो आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपको फोकस्ड स्टडी, सिलेक्टिव एंड सॉर्टेड स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों देखा है मैंने, वो तीन तीन चार चार बुक अपने घर वालों से मंगवाते रहते हैं कि पापा मुझे ये बुक ला दो, मैं ये बुक लेने जा रहा हूँ, मैं इतनी बुक रखी है मेरे पास, और बार बार दोस्तों को फ़ोन में बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो इतनी बुक हो चुकी हैं, मैंने ये कर दिया है, ये कर दिया है, ये कर दिया है। असल में किया कुछ नहीं है, आपने सिर्फ परचेजिंग करी है बुक की, दैट्स इट, पैसा वेस्ट। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ निकाली है ताकि मैं आपको स्ट्रिक्टली उन क्वेश्चन पे स्टिक कर पाऊँ कि मेरे वीडियोस और वो कुछ क्वेश्चन अगर आप देख लें तो इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। दूसरी बड़ी मिस्टेक है ग्रुप स्टडी। जिस तरह से बच्चा जब बोर्ड एग्जाम की दहलीज पर आता है तो उसके दोस्ती यारी बढ़ जाती है, सोशल सर्कल बढ़ जाता है, तो मन करता है उसका कि भाई अब क्या करते हैं ना, अपन किसी दोस्त के यहाँ जाके बढ़िया ग्रुप स्टडी करेंगे। तो 3-4 शेर लोग मिल जाते हैं एक ही घर में और कोशिश करते हैं ग्रुप स्टडी करने की। ये बचपना मत करना। दोस्ती यारी सब अच्छी लगती है, लेकिन तब अच्छी लगती है जब रिजल्ट के दिन सारे दोस्त मिलके मिठाई बांट रहे हो, भाई तेरे भी 100 आए, मेरे भी 100 आए। लेकिन अगर एक भी दोस्त के 100 नहीं आते तो वो खुशी दुख में बदल जाती है और फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए ग्रुप स्टडी जैसी खराब चीज़ें मत करना कभी। ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं हो सकती बोर्ड्स की, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई होती है कॉलेज की। जब आप कॉलेज पहुंच जाओगे तब करना ग्रुप स्टडी, क्योंकि उस टाइम सब हो जाता है बातों ही बातों में। लेकिन अभी जो कोर्स की डिमांड है, जो सिलेबस की डिमांड है, वो आपका खुद का एक्यूरेट माइंड फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिमांड करता है। उसमें आपको अच्छे से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, खुद की वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी और वो कभी ग्रुप में नहीं हो सकती। आप ही सबसे अच्छे जज हो आपके खुद के। आप ही आपको अब बताओगे कि यार मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, मेरा कैलकुलस स्ट्रांग है, मेरा एलजेब्रा थोड़ा सा कमज़ोर है, मुझे ज्योमेट्री अच्छी लगती है। ये सब आप खुद को ही बता सकते हो, कोई आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, मोबाइल से दोस्ती। यार जितनी ज़्यादा आप मोबाइल से लगाव रखोगे ना, तो आपको बोलना तो अच्छा लगेगा कि मोबाइल में मैं काम की चीज़ ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन 5 या 6 मार्क्स का फ़ायदा करोगे और कम से कम 20 मार्क्स का नुकसान करते हो जो आपको पता नहीं चलता। मैं बता रहा हूँ आपको, विश्वास करो मुझ पर, अगर आपको पढ़ाई करनी है और इस बार आपका एम टारगेट 100 में से 100 है, जो बहुत आराम से अचीव करेंगे हम दोनों, अगर आपका एम ये है तो आपको अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑफ 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 करने पड़ेंगे। सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन चालू रखिए यूट्यूब का, ताकि आप मेरे वीडियोस टाइम पर देख पाओ। मैं आपका गाइडेंस शुरुआत से करूँगा और आपके एग्ज़ाम के आखिरी मोमेंट तक आपके साथ रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप प्लीज़ ये व्हाट्सएप वगैरह के नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन डिलीट करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं,
लेकिन कम से कम इनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। आपको लगता ज़रूर है कि आप शायद एक्टिव नहीं हैं सोशल मीडिया पे, या शायद आप उसके अडिक्ट नहीं हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता है। आपको दिक्कत यही है सबसे बड़ी, कि आपको नहीं पता है कि आप पैसिवली उसके अडिक्ट हो चुके हैं। आप बैठे बैठे जब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या कुछ काम कर भी रहे हैं, आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ जाता है, अपने आप उसका लॉक खुलता है, अपने आप से आप कुछ भी स्क्रॉल करते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता। कुछ भी नहीं मिलता तो आप फ्लिपकार्ट स्क्रॉल करते रहते हैं। यकीन मानिए, आप डीपली जब खुद को एनालाइज करेंगे तो आप फील करेंगे कि कहीं ना कहीं इस मोबाइल का एडिक्शन आपको हो रहा है। तो प्लीज़ टर्न ऑफ कर दीजिए सारे नोटिफिकेशन, दुनिया से थोड़ा सा दूर आइए, खुद के साथ समय बिताइए, पेरेंट्स के साथ समय बिताइए। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी अपने पेरेंट्स के साथ और खुद के साथ। जी हाँ दोस्तों, सब नोटिफिकेशन ऑफ। चौथा पॉइंट जो कि बहुत डरावना है, हम लोग जोश जोश में क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं और बढ़िया एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग रहता है बढ़िया रात भर की पढ़ाई। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, रात भर की पढ़ाई और फिर रजाई, यही दिखती है आप लोगों को। जो आपको नींद 6 से 7 घंटे की लेनी है, आप जब रात भर जगते हैं तो पहले तो आप लंबा तान के सोते हैं, और जब उठते हैं ना उसके बाद भी आप लेजी रहते हैं, क्योंकि आपने अपना शेड्यूल, अपनी दिनचर्या पूरी बिगाड़ ली है। जो क्लॉक सेट थी आपकी वो ख़राब कर ली है। उस क्लॉक से आप जैसे चेंजेस लेके आते हैं, आप फिर वो एनर्जी नहीं दे पाते अपनी। आपने रात भर एक दिन पढ़ाई की, अगले दिन ख़राब, दूसरे दिन पढ़ाई करी, उसके बाद का दिन ख़राब। बेटर ये है कि आप सोच लें कि मुझे यार रात के 12 बजे तक पढ़ना है, या फिर आपको स्ट्रेच करना है उस चीज़ को तो आप 2 बजे तक पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात भर 4-4 बजे जगना, मेरे ख्याल से चीज़ बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सुबह जा सकते हैं, वेल एंड गुड, जो लोग रात में जागते हैं, कम्प्लीटली ओके। आपको समझना है कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट किस समय देते हैं। जिस भी समय आप अपनी बॉडी के साथ मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, गो फॉर इट। जो पापा बोल रहे हैं 4 बजे उठो, याद अच्छे से होगा, ये सब बातें दखियानूसी हैं। जब आपको लगे तब उठो, लेकिन हाँ, क्लॉक बना लो कि भाई मुझे 6 घंटे ही सोना है दिन भर में, रात भर नहीं जगना है, मुझे हर रोज़ 2 बजे तक पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि एक दिन रात भर जग गए फिर 3-4 दिन तक बॉडी लो एनर्जी पर चल रही है, तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पांचवा पॉइंट, गलत कॉम्बिनेशन। जी हाँ, मैथ्स की बुक आपने उठाई, आपने सोचा कि यार दिन भर थोड़ी मैथ्स पढ़ूंगा। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि कभी भी होल डे के लिए मैथ्स पिक मत करो, हमेशा मैथ्स के साथ एक कॉम्बो बनाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक गलत कॉम्बो बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं मैथ्स का अकाउंट्स के साथ कॉम्बो बनाकर। यार मैथ्स अपने आप में बहुत टायरिंग सब्जेक्ट है, इसके साथ जब वो अकाउंट्स का कॉम्बो करते हैं तो वो अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते हैं। हमेशा मैथ्स के साथ कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक ढूंढ लीजिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, जिसके साथ कॉम्बो बना के आप आराम से चल पाएँ। वैसे ही जब साइंस के स्टूडेंट कॉम्बो बनाते हैं, तो फिज़िक्स के साथ मैथ्स को मत जोड़िए। फिजिक्स और मैथ्स लगभग सेम टेम्परमेंट डिमांड करता है, इसलिए मैथ्स के साथ हमेशा कोशिश करिए कि आप एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लें जिसमें ज़्यादा आपको लिखना ना पड़े। दोस्तों, तो ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा एक टारगेट अचीव कर पाएंगे, और इस बार आपके बोर्ड्स का टारगेट है 100 में 100। इस बार मेरी गारंटी है कि मार्क्स आपके 100 ही आएंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो बी इन टच, मेरे वीडियोस देखते रहिए, पूरी सीरीज मैथ्स की लेके आ रहा हूं मैं। राहुल धाकड़ साइनिंग ऑफ। Boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.